कैडेट बैठे बैठे सावधान रिलैक्स। क्लास को शुरू करने से पहले हमें अपने उच्च अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम क्लास को शुरू करें अथवा नहीं। तो जो भी हमारे सीनियर होते हैं उनसे हम अनुमति लेते हैं। अनुमति इस प्रकार से लेते हैं, विदाउट कैप आप कभी भी सैल्यूट नहीं करेंगे। ओके, जय श्रीमान। क्लास को शुरू करने के लिए अनुमति चाहती हूँ। जैसे ही आपको अनुमति मिल जाए उसके बाद जय श्रीमान। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। कैडेट, जो ए सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट या हमारे अभी जो एनसीसी बच्चे लेना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो जान लें कि एनसीसी में कौन कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं। कभी कभी आपके क्वेश्चन में भी आ जाता है कि एनसीसी में कितने प्रकार के एक्टिविटीज होते हैं, तो उनके नाम आपको पहले से पता होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको एक्टिविटीज़ के नाम, जो इस प्रकार हैं। रिपब्लिक डे कैंप, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, एडवांस लीडरशिप कैंप, आर्मी अटैचमेंट कैंप, हैकिंग एंड ट्रैकिंग कैंप, थल सैनिक कैंप, वायु सैनिक कैंप, नौसैनिक कैंप, ऑल इंडिया याचिंग रजिटा कैंप, रॉक क्लाइंबिंग कैंप, नेवल विंग एक्टिविटीज, एयर विंग एक्टिविटीज, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इसके अलावा कैडेट, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन कैडेट हैं उनके लिए एनसीसी में अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। और बात करें अगर हम फुटबॉल प्लेयर की, तो उनके लिए सुब्रतों का फुटबॉल है। इसमें आपको अपने बटालियन के थ्रू आप सेलेक्ट होते हैं और फिर ग्रुप में जाते हैं। ग्रुप में आपके जो होती है स्किल वगैरह की टेस्ट होती है। अगर आप उस स्किल में पास कर जाते हैं टेस्ट को अपने, तो फिर आपका टीम में सिलेक्शन होता है और आप डायरेक्ट सुब्रतो कप फुटबॉल यानी जो नेशनल है वो आप डायरेक्ट खेल सकते हैं। इसमें ये सुब्रतो कप फुटबॉल जो है सिर्फ एनसीसी कैडेट के लिए होता है। एनसीसी इसको ऑर्गेनाइज कराता है। और हमारे ऑल इंडिया में जितने भी ग्रुप हैं उनके कैडेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कैडेट, आज हमने जाना कि एनसीसी में कितने प्रकार के एक्टिविटीज होते हैं। अगली क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी इनके बारे में। तब तक के लिए जय श्रीमान। क्लास खत्म करने की अनुमति चाहती हूँ। कैडेट बैठे बैठे सावधान आराम से।